स्टूडेंट का माइंड में ये वाला क्वेश्चन आता है कि अगर ग्रेविटी सच में है और ग्रेविटी की वजह से मून अर्थ को ऑर्बिट करता है तो वो आगे सीधा टकराता क्यों नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी का मतलब क्या है, एक सीधा अट्रैक्शन है कि वो अपनी तरफ एक तरह का अट्रैक्शन होता है तो वो सीधा आके अर्थ से टकराना चाहिए, लेकिन टकराता नहीं है बल्कि अर्थ को ऑर्बिट करने लग जाता है, ऐसा क्यों? एक्चुअल में ये होता है कि मून जो है हर एक सेकंड अर्थ पे गिर रहा है लेकिन कभी उसके नजदीक नहीं आ पाता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि गिरे कोई सी चीज अर्थ पे और उसके नजदीक ना आ पाए। आइए देखते हैं। सपोज कीजिए हम एक बड़े कैनन को अर्थ पर रख के उससे एक बुलेट फायर करते हैं जो कि स्पीड के अकॉर्डिंग नीचे गिरती है ग्रेविटी की वजह से। स्पीड कम हुई तो जल्दी गिरेगी, ज्यादा हुई तो आगे जा करके गिरेगी। अगर हम उसे एक स्पेसिफिक स्पीड से फायर करेंगे तो वो आगे तक जाएगी और उतनी ही नीचे गिरेगी जितनी की अर्थ हमारी कर्व हो जाए। तो देखिए क्या ब्यूटीफुल होता है, वो लगातार गिर रही है अर्थ के नजदीक आना चाहती है लेकिन कभी पहुंच ही नहीं पाती क्योंकि अर्थ भी उतनी ही कर्व हो जा रही है जितने की बुलेट नीचे गिर रही है।